हेलो बच्चों, मैं खुशबू मिस आज आप लोगों को जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। सो चैप्टर 1 है अमेजिंग एनिमल्स यानी अद्भुत जानवर। सो अमेजिंग मीन्स बीइंग वंडरफुल एंड इंटरेस्टिंग। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ऑल अराउंड। दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचर। सो बच्चों ये कह रहा है कि अद्भुत का मतलब अद्भुत और दिलचस्प है, और हम विभिन्न प्रकार के जानवरों को अपने चारों ओर देखते हैं और वे प्रकृति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। चित्र को देखें और उनके सामने सही का निशान लगाएं। क्वेश्चन 1 है द एनिमल दैट स्लीप विथ वन आई ओपन। सो बच्चों कह रहा है कि यह एक ऐसा जानवर है जो अपनी एक आँख खोल के सोता है। सो इसका आंसर बी होगा, डॉल्फिन। क्वेश्चन 2 है दिस इज ऑनली द पॉइजनस बर्ड। सो बच्चों ये कह रहा है कि यह एक ऐसा पक्षी है जो जहरीला होता है। सो इसका आंसर सी होगा, हुडेड पिठायू। क्वेश्चन 3 है दिस इज बर्ड हुज आइज आर बिगर देन इट्स ब्रेन। सो बच्चों ये कह रहा है कि यह वह पक्षी है जिसकी आंखें उसके मस्तिष्क से बड़ी होती हैं। सो इसका आंसर ए होगा, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन 4 है द एनिमल दैट कांट जम्प। सो बच्चों ये कह रहा है कि वह जानवर जो जंप यानी कूद नहीं सकता। सो इसका आंसर बी होगा, एलिफेंट। क्वेश्चन 5 है द बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। सो बच्चों ये कह रहा है कि वह पक्षी जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। सो इसका आंसर ए होगा, हमिंग बर्ड। अमेजिंग फैक्ट यानी आश्चर्यजनक तथ्य, अ बटरफ्लाई कैन सी ओनली रेड येलो एंड ग्रीन कलर्स। सो बच्चों कह रहा है कि एक तितली केवल लाल पीले और हरे रंग देख सकती है। सो चैप्टर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर है 2 एनिमल ग्रुप्स पशु समूह। सो बच्चों इस चैप्टर के माध्यम से पशु के समूह को हम लोग क्या कहेंगे इसके बारे में जानेंगे। मैनी एनिमल्स लिव इन द ग्रुप्स, दे हंट फॉर फूड टुगेदर एंड लिव टुगेदर फॉर प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ देयर यंग वंस। सो बच्चों ये कह रहा है कि कई जानवर जो समूह में रहते हैं और वे भोजन के लिए एक साथ ही शिकार करते हैं और अपने युवाओं की सुरक्षा और देखभाल के लिए साथ में रहते हैं। राइट द नेम ऑफ द एनिमल ग्रुप्स गिवन इन द पिक्चर्स। सो कह रहा है कि चित्रों में दिए गए पशु समूह के नाम को लिखिए। क्वेश्चन 1 है अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स। डॉल्फिन का एक समूह, सो उसको हम लोग पॉड कहेंगे। क्वेश्चन 2 है अ ग्रुप ऑफ टाइगर्स, बाघों का एक समूह। सो बच्चों इसका आंसर होगा, एम्बुश। क्वेश्चन 3 है अ ग्रुप ऑफ जेब्रास, जेब्रा का एक समूह। सो इसका आंसर जेल होगा। क्वेश्चन 4 है अ ग्रुप ऑफ हिप्पोपोटामस, सो दरियाई घोड़ा का एक समूह। सो इसका आंसर होगा, ब्लॉट। क्वेश्चन 5 है अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। सो बच्चों इसका आंसर होगा, प्रेड। क्यूज टाइम, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पे टिक करें। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज ग्रुप ऑफ क्रोकोडाइल कॉल्ड। सो बच्चों ये कह रहा है कि मगरमच्छ के समूह को क्या कहते हैं। सो इसका आंसर होगा ए, बास। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ लायन कॉल्ड्स। कह रहा है कि शेरों के समूह को क्या कहते हैं। सो इसका आंसर बी होगा, प्राइड। चैप्टर 2 यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर 3 है वाटर एनिमल यानी जलीय जानवर। सो बच्चों जानेंगे जलीय जानवरों के बारे में। डियर फ्रेंड्स डू यू नो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द गिवन एनिमल्स एंड आइडेंटिफाई देम। सो बच्चों ये कह रहा है कि प्रिय दोस्तों क्या आप जानते हैं पानी में रहने वाले जानवरों को जलीय जानवर कहा जाता है। आइए दिए गए जानवरों की महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में चर्चा करें और उन्हें पहचानें। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड राइट देयर नेम्स इन गिवन ब्लैंक स्पेस। यू मेक क्लू, यूज क्लू बॉक्स।
सो बच्चों ये कह रहा है कि जलीय जंतु के चित्रों को देखें और दिए गए रिक्त स्थानों में उनका नाम लिखें। आप क्लू बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन वन है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट एक्वेटिक एनिमल। सो बच्चों ये कह रहा है कि यह एक ऐसा जलीय जीव है जो सबसे बड़ा और भारी होता है। सो इसका आंसर होगा ब्लू व्हेल। क्वेश्चन टू है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फिश। सो कह रहा है कि यह एक ऐसा मछली है जो सबसे भारी और शक्तिशाली होती है। सो इसका नाम है शार्क। क्वेश्चन थर्ड है, इट हैज 8 आर्म्स, 3 हार्ट्स एंड द कलर ऑफ इट्स ब्लड इज ब्लू। सो बच्चों ये कह रहा है कि यह एक ऐसा जलीय जीव है जिसके 8 हाथ और 3 हृदय और जिसके रक्त के रंग ब्लू होते हैं। सो इसका आंसर होगा ऑक्टोपस। क्वेश्चन 4 है, इट इज़ द ओनली वाटर एनिमल विथ टुस्क। सो बच्चों ये कह रहा है कि यह एक ऐसा जलीय जीव है जिसकी दांतें बहुत लंबी और बहुत ही नुकीली होती हैं। सो इसका आंसर होगा वॉलरस। सो बच्चों इसकी दांतें बहुत ही नुकीली और बहुत बड़ी होती हैं। क्यूज टाइम, लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट नेम्स। कह रहा है कि चित्र को देखें और उनके नाम के सामने सही का निशान लगाएं। सो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। क्वेश्चन वन है, यहाँ पे चित्र है, जेली फिश है ये, तो इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन टू में ये सी हॉर्स है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। अमेजिंग फैक्ट यानी आश्चर्यजनक तथ्य, ऑक्टोपस कैन रिग्रो एन आर्म इफ़ दे लॉस्ट इट। कह रहा है कि ऑक्टोपस एक हाथ को फिर से जमा सकता है यदि वे उसे खो दे तो। सो चैप्टर थर्ड यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, पक्षी और कीड़े। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर ए स्मॉल क्रिएचर दैट कैन बी फाउंड एवरीवेयर ऑन लैंड, एयर एंड वाटर। मोस्टली इंसेक्ट हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड बर्ड्स हैव 2 लेग्स, बोथ्स हैव विंग टू फ्लाई। सो बच्चों ये कह रहा है कि पक्षी और कीड़े बहुत छोटे जीव हैं जो पानी, हवा और ज़मीन हर जगह पाए जाते हैं। ज़्यादातर कीड़ों में 3 जोड़ी पैर होते हैं और पक्षियों के 2 पंख होते हैं और दोनों के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। कंप्लीट द गिवन क्रश वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर्स। सो बच्चों ये कह रहा है कि दिए गए क्रश वर्ड उलझन को दिए गए चित्रों की मदद से पूरा करें। सो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है जिसे हम लोगों को यहाँ पे भरना है। सो पिक्चर वन है, बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई यानी तितली। नंबर टू में है ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। नंबर थर्ड है पिकॉक, PECOCK, पिकॉक यानी मोर। नंबर फोर है ग्रास हॉपर, GRASSHOPPER, ग्रास हॉपर यानी टिड्डे। नंबर फाइव है एंट, ANT यानी चींटी। नंबर सिक्स है पैरोट, PARROT, पैरोट यानी तोता। नंबर सेवन है फ्लाई, FLY, फ्लाई यानी मक्खी। नंबर एट है स्पाइडर, SPIDER, स्पाइडर मकड़ी। नंबर नाइन है ईगल, EAGLE, ईगल यानी बाज। अमेजिंग फैक्ट्स, आश्चर्यजनक तथ्य, मोथ्स आर यूजुअली डल कलर्ड एंड फ्लाई एट नाइट। सो ये कह रहा है कि फतिंगा आमतौर पर सुस्त रंग के होते हैं और रात में ये उड़ते हैं। सो चैप्टर फोर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर फाइव है यूनिक फ्रूट्स, अनोखे फल। सो इस चैप्टर के माध्यम से हम कुछ ऐसे फलों के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ईटिंग फ्रूट्स मेक्स अस हेल्दी एंड कीप्स अस अवे फ्रॉम डिजीजेज. लेट्स नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रूट्स. सो बच्चों कह रहा है कि फल खाने से हम स्वस्थ रहते हैं और फल हमें बीमारियों से दूर रखते हैं. आइए जानते हैं कि फल खाने से क्या महत्व इम्पोर्टेंस है, फल का क्या महत्व है. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द यूनिक फ्रूट्स एंड टिक द करेक्ट नेम्स. सो बच्चों ये कह रहा है कि चित्र को देखें और फलों के सामने सही का निशान लगाएं. क्वेश्चन वन है, आई प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोल्ड एंड कफ्स. कह रहा है कि यह एक ऐसा फल है जो हमें सर्दी और खांसी से बचाता है. सो इसका आंसर सी होगा, कीवी. क्वेश्चन टू है, आई गिव यू एनर्जी. सो ये कह रहा है कि यह एक ऐसा फल है जो हमें एनर्जी ऊर्जा यानी ताकत देता है. सो इसका आंसर होगा मैंगो एस्ट्रिन, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आई कीप यू फ्री फ्रॉम स्टोमक डिसऑर्डर. सो बच्चों ये कह रहा है कि यह एक ऐसा फल है जो हमें पेट की बीमारियों से मुक्त करता है. सो इसका आंसर होगा सी, स्टार फ्रूट. क्वेश्चन फोर है, आई एम गुड फॉर योर स्किन. सो ये कह रहा है कि यह फल हमारे त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक है. सो इसका आंसर स्ट्रॉबेरी होगा. क्वेश्चन फाइव है, आई एम गुड फॉर योर हार्ट. कह रहा है कि यह फल हमारे हृदय के लिए बहुत ही अच्छा होता है. सो इसका आंसर बी होगा, एवोकाडो. क्वेश्चन सिक्स है, आई मॉइस्चराइज योर स्किन. सो बच्चों ये कह रहा है कि यह फल हमारे त्वचा को नमी देता है. सो इसका आंसर होगा ए, ड्रैगन फ्रूट. ये हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है यानी नमी प्रदान करता है. क्यूज टाइम, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड द टिक द करेक्ट नेम्स. कह रहे हैं कि फलों के चित्र को देखें और उनके नाम के सामने सही का निशान लगाएं. सो यहाँ पे वन है, यहाँ फलों का चित्र दिया हुआ है. सो ये रामबुतन है यानी ऑप्शन बी. क्वेश्चन टू है, ये वेरिज है यानी ऑप्शन सी. अमेजिंग फैक्ट, आश्चर्यजनक तथ्य. कीवी इज द नेम ऑफ फ्रूट्स, इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ बर्ड. कह रहा है कि कीवी एक फल का नाम है और यह एक पक्षी का भी नाम है. सो बच्चों चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.